बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अ टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। दिस इज़ योर साइंस बुक। मंथ ऑफ जनवरी, क्लास 5, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, पेज नंबर 125। स्टूडेंट्स, मंथ ऑफ जनवरी में आपके पास दो चैप्टर थे, नंबर 1 सिंपल मशीन एंड नंबर 2 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल मशीन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अब मैं आपको फोर्स, वर्क एंड एनर्जी करवा रही हूँ। ठीक है, इसके कुछ पोर्शन में इस वीडियो में आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स मोशन विद रिस्पेक्टेड टू इट्स सराउंडिंग्स। सिमिलरली अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स मोशन विद रिस्पेक्टेड टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी बॉडी जो है अगर रेस्ट फॉर्म में मौजूद है तो वो जो है उसकी अपनी जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक वो पोजीशन चेंज नहीं करता, क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में मौजूद है। इसके अलावा अगर वो कोई बॉडी मोशन फॉर्म में या मूवमेंट फॉर्म में या मूविंग फॉर्म में मौजूद है तो वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जो है वो पोजीशन को वो चेंज करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, यू विल ऑब्जर्व दैट सम ऑब्जेक्ट लाइक हैंड कार्ड्स, बाइसाइकिल, कार एंड बसेस आर मूविंग इन मोशन, वाइल सम अदर थिंग एंड ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज, साइन बोर्ड, डोर एंड विंडोज आर नॉट मूविंग एट रेस्ट। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो चीज़ें हैं जैसे कि हैंड कार्ड्स है, बाइसाइकिल्स, कार, बसेस जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि दूसरी जो ऐसी चीज़ें हैं वो रेस्ट फॉर्म में होती हैं, यानी वो रुकी हुई होती हैं, वो मूव नहीं कर रही होती हैं, जैसे कि ट्रीज, साइन बोर्ड्स, डोर एंड विंडो। ये देखिए, ये आपको पिक्चर्स है, इस पिक्चर से आपको और क्लियरली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि जिसमें आपको कार, बसेस, हैंड कार्स जो हैं वो मूविंग पोजीशन में मौजूद हैं, जबकि साइन बोर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये रेस्ट फॉर्म में मौजूद हैं। द स्टेट ऑफ आर बॉडी इज़ डिटरमाइंड बाय द फैक्ट दैट वेदर इट इज़ मूविंग और नॉट। A body is said to be in motion if it is moving and at rest if it is not moving. Okay students, अगर कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जो है वो मूव कर रहा है तो वो उसकी चीज़ वो खुद मूविंग कंडीशन में मौजूद है, इसलिए वो मूव कर रहा है। We can produce motion in an object only when we apply force on it. ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो जो है उसका जो मोशन है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अ फोर्स इज डेफिनाइड एज अ पुश एंड पुल विच चेंजेस और try to change the state of motion or rest of a body when it is applied on it. Some common example of force are pushing or pulling of his cart by a fruit or vegetable. ठीक है, vendors pushing or pulling a door to open or close it and kicking a football. ठीक है, कोई भी जैसे कि अगर हम कोई भी डोर को ओपन करें या क्लोज करें तो इसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम फुटबॉल को किक करें तो इसके लिए भी हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग फॉर्म में भी आ सकता है और रेस्ट फॉर्म में भी आ सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स। नंबर वन, फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में मौजूद है तो हम फोर्स को अप्लाई करके उस रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बाइसाइकिल है, ये ट्राईसाइकिल है, इसमें क्या है कि इसके अंदर फोर्स अप्लाई करके उसको मूव किया जा रहा है। नंबर टू, फोर्स कैन स्पीड अप। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। तो नंबर टू है, फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। नंबर थ्री, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ आ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट को उसकी मूवमेंट है तो वो राइट हो सकती है, अगर वो साउथ की पोजीशन में है तो वो नॉर्थ पोजीशन पे जा सकता है अगर हम फोर्स को अप्लाई करें। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये बॉल है, इसको ये प्लेयर जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप कर रहा है एक फोर्स अप्लाई करके, वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहा है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नंबर फाइव, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी फोर्स को की जो शेप है, फोर्स अप्लाई करने के बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो या फास्ट कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं जिनको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं कि हम पुशिंग और पुलिंग कर सकते हैं कि उसमें उसको हम ओपन कर दें या क्लोज कर दें। ठीक है, कोई भी हम फुटबॉल को किक लगा सकते हैं, इसके अलावा और दूसरे तमाम हम काम फोर्स को अप्लाई करके हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब हम इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस दैट आर फाउंड इन नेचर। नेचर में जो फोर्सेस हैं हम उसको उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं। नंबर वन, मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि हमारे मसल्स की वजह से आए हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, लिफ्टिंग स्कूल बैग, किकिंग अ फुटबॉल, पुशिंग अ डोर वगैरह, मतलब ये सब एग्जाम्पल हैं, आर सम कॉमन एक्टिविटीज दैट वी डू बाय यूजिंग मस्कुलर फोर्स। हम जब मस्कुलर फोर्स हैं, चाहे वो हमारे आर्म्स के हों या हमारे लेग के मस्कुलर फोर्स हों, वो हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हम ये काम परफॉर्म करते हैं। ये देखिए मस्कुलर फोर्स की एक डायग्राम्स है जो कि आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो ये क्या, इसमें क्या है कि हम कोई भी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसके अलावा लिफ्टिंग स्कूल बैग्स, किकिंग अ फुटबॉल, पुशिंग अ डोर जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। नंबर टू, फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन एंड देयरफॉर स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शनल कहते हैं एक तरह रोकना। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम फ्रैक्शनल फोर्स को अप्लाई करके, जैसे कि कार में हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से जो मूविंग कार है वो कुछ दूर जाने के बाद स्टॉप हो जाती है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कंडीशन में लाना या फिर वो स्लो डाउन करना वो फ्रैक्शनल फोर्स कहलाता है।
A ball moving on the ground come to rest on its own after some time due to the force of friction. Friction help us walk smoothly on the ground. Friction क्या करता है? हमें ground में smoothly walk करने में help करता है. Force of friction is more on rough surface than on smooth surface. तो force of जो smooth rough surface पे force of friction जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि rough surface जो होती है वो friction force को apply करने में बहुत help करती है. ठीक है, इसके अलावा smooth surface पे कम होती है. ये देखिए, ये बाइक है या कार है, कुछ टाइम के बाद आप ब्रेक लगाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ये स्टॉप होती है या स्लो होना शुरू हो जाती है. थर्ड वन, मैकेनिकल फोर्स. द फोर्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स. एक ऐसी फोर्स जो कि मशीन के जरिए प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स एंड थिंग्स लाइक स्विंग मशीन मूव ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस बाय देयर इंजन्स. ये देखिए, मैकेनिकल फोर्स जिसमें कार और बसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसके अलावा स्विंग मशीन मूव ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस बाय देयर इंजन. ठीक है, अब ये इंजन के थ्रू ये इनकी वर्क हो रही होती है. मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं किसी भी मैग्नेट की वजह से जो फोर्स जो है होती है वो अप्लाई हो रही होती है, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, दिस फोर्स अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स और सब्सटेंस मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. ठीक है, जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आयरन, निकल और कोबाल्ट से बने होते हैं, उसको जो मैग्नेट होता है उसको अट्रैक्ट करता है. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये देखिए, ये मैग्नेट है जो कि पेन है, ये आयरन या निकल के से बने हुए चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है. ठीक है, और नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड इटसेल्फ. इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द बॉल कम बैक ऑन द अर्थ. ठीक है, क्या है कि जब कभी आपने ये बात सोचा होगा, नोट की होगी, जब कभी आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद वो नीचे आ जाती है, या अगर हम स्टोन को फेंकें या कोई फ्रूट को फेंकें तो वो चीज़ नीचे आ जाता है. तो वो क्यों आता है? वो इसलिए कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, ज़मीन की फोर्स मौजूद है, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जो किसी भी चीज़ को नीचे अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Gravitational force is also found between any two object. This force is responsible for keeping us bound to the earth. ठीक है, the earth and other planet revolve around the sun in fixed orbit due to the gravitational pull of the sun. ये देखिए, ये आपको एक पिक्चर है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की है, जिसमें ग्रेविटेशनल आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, अभी मैंने आपको जो फोर्सेस बताए हैं उसमें मैंने आपको बताया मस्कुलर फोर्स, जो कि ह्यूमन की बॉडी की मसल्स की वजह से प्रोवाइड होते हैं. मसल्स की वजह से जो फोर्सेस हैं वो मस्कुलर फोर्स कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि लिफ्टिंग स्कूल बैग, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, किकिंग अ बॉल शामिल है. सेकेंडली आपको बताया फ्रैक्शनल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो करना हो या स्टॉप करना हो तो उसमें हम फ्रैक्शन यू फोर्स अप्लाई करते हैं. थर्ड मैंने आपको बताया मैकेनिकल फोर्स, जो किसी भी मशीन की फोर्स को प्रोड्यूस करता है उसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, और जिसमें एक मशीन की जो फोर्स अप्लाई होती है. इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स.
मैग्नेटिक फोर्स में आपको बताया कि मैग्नेट की वजह से ये फोर्स होती है और वो मुख्तलिफ जो आयरन है, निकल एंड कोबाल्ट की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। एंड लास्ट मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल ज़मीन की फोर्स होती है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या सेकंड फॉर्म में सोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ये चैप्टर जो है फोर्स वर्क एंड एनर्जी इसका इसके आपको कुछ पोर्शन आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो आप बहुत नीट एंड क्लीन इसको कंप्लीट कीजिएगा बेटा। ओके, नंबर वन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय आर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन मोशन फॉर्म में मौजूद है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, उसके वो तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, तो इट इज़ ट्रू। फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज नहीं कर सकती, इट इज़ फॉल। गिटार इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यस। We use muscular force in sport, yes, क्योंकि हम sports में हमारे muscles ही use होते हैं, हम muscular force को apply करते हैं, yes. Electricity is form of heat energy, true. Electricity जो है वो heat energy की एक किस्म है। And then last one, gravitational force is between present between two object, yes. तो ट्रू एंड फॉल में बेटा नंबर वन में ट्रू है, नंबर टू में फॉल्स, नंबर थ्री में ट्रू, नंबर फोर में ट्रू, नंबर फाइव में ट्रू एंड नंबर सिक्स में ट्रू। आपको ट्रू एंड फॉल बेटा एट गिवन है, आपको सिक्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, द स्टेट ऑफ मोशन कैन बी डैश बाय अप्लाइंग फोर्स चेंज। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हम क्या करें, कोई फोर्स अप्लाई करें, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो मोशन में है, जैसे कि फुटबॉल को, फुटबॉल रनिंग पोजीशन में है, हम अपनी हैंड की पावर लगा के उसको रोक सकते हैं, ठीक है। नंबर टू, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंज इट प्लेस। नंबर थ्री, फ्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स, यस। नंबर फोर, डैश इज डन व्हेन यू हिट अ बॉल विथ अ बैट। वर्क, अगर हम वर्क का उस पर फोर्स या वर्क अप्लाई करेंगे तो हम बैट के जरिए बॉल को हिट कर सकते हैं। नंबर फाइव, डैश चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी फोर्स, ठीक है। हम किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं अगर हम फोर्स को अप्लाई करें। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। नंबर वन में चेंज, नंबर टू में मोशन, नंबर थ्री में फोर्स, नंबर फाइव में नंबर फोर में वर्क एंड नंबर फाइव में फोर्स। ओके, इसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, अ बॉल मूविंग ऑन अ ग्राउंड कम टू रेस्ट ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग फोर्स, फ्रैक्शनल, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल एंड मस्कुलर। तो अगर कोई बॉल मूविंग फॉर्म में ग्राउंड में मौजूद है तो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो स्टॉप होती है या स्लो होती है, तो वो कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, फ्रैक्शनल। तो आप फ्रैक्शनल पे टिक लगाएंगे। नंबर टू, अ रबर बैंड पॉजेस देयर फोर्स, तो मैग्नेटिक, मस्कुलर, इलास्टिक या ग्रेविटेशनल, इलास्टिक फोर्स। नंबर थ्री, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन इज कॉल्ड, नंबर वन काइनेटिक एनर्जी, नंबर टू ग्रेविटेशनल एनर्जी, नंबर थ्री पोटेंशियल एनर्जी, नंबर फोर नन ऑफ दिस, ठीक है। नंबर फोर, दिस एनर्जी इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, कौन सी एनर्जी है जो कि हम उसमें किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, विंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी। इसका आंसर है मैग्नेटिक एनर्जी। नंबर फाइव,
pushing a cart is an example of dash. Kinetic energy, potential energy, work and none of these. तो work. नंबर टिक द करेक्ट आंसर में बेटा. नंबर वन में है फ्रैक्शनल, नंबर टू में इलास्टिक, नंबर थ्री में नन ऑफ दीज, नंबर फोर में मैग्नेटिक एनर्जी एंड नंबर फाइव में वर्क. ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर करवा दिए. अब आपको क्या करना है बेटा, ये बहुत अच्छे से आपको उतारना है. ठीक है, और नीट एंड क्लीन वर्क करना है, और कोई भी स्पेलिंग बेटा मिस्टेक मत कीजिएगा. फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, और जो है एक सेंटेंस में प्रॉपर गैप होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आज आपको मंथ ऑफ नवंबर का सेकंड चैप्टर जो मैंने आपको करवाया, फोर्स वर्क एंड एनर्जी, इसके कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए, और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर आप करवाया. बहुत अच्छे से काम करना है बेटा, बहुत क्लीन एंड प्रॉपर वर्क करना है. लर्निंग एंड रीडिंग और तमाम अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से इन्हेंस करना है. ठीक है, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है. अल्लाह हाफिज़.